हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। अभी का जो ये सेशन है, ये आपका एक्चुअली मैथ्स का इम्पोर्टेंट आपका फॉर्मूला है, जिसके बेसिस पे आपका PYQ पूछा गया है। तो वो फॉर्मूला आपको समझाने के लिए क्लास लिया गया है। CI और SI जो दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट्स है, जो कवर किया जाता है एग्जाम में, और इस पे बेसिकली आपको PYQs आता ही आता है। तो देखो, एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया है, डबल करने का क्वेश्चन, लाइक डबलिंग का जो रूल होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। तो जो रूल होता है डबलिंग का, इसका मतलब होता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब हमारा जो मेन अमाउंट है, वो डबल कब होगा, ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के हेल्प से चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखोगे, अगर अगर हम डबलिंग करने का चेक कर रहे हैं अंडर सिंपल इंटरेस्ट, और बेसिकली आपका क्वेश्चन जो दिया गया है टेलीग्राम पे, वो सिंपल इंटरेस्ट से ही कनेक्टेड है। आपका नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, जहाँ पे पी मतलब होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, आर मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी मतलब होता है टाइम इन ईयर। तो बेसिकली आपका पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये सिंपल फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। अब जब बात आता है इसको डबल करने का, जब हम अमाउंट डबल करने की बात करते हैं, तब हम SI दैट इज इक्वल टू पी, ठीक है, मतलब SI की जगह पे हम पी लिखेंगे। एंड जैसे कि हमारा ऑलरेडी फॉर्मूला में पी यहाँ पे ऑलरेडी है, पी यहाँ पे ऑलरेडी है, ये हम डबल की बात करें, ठीक है, डबलिंग का जो रूल है, हम डबलिंग का अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे पी ऑलरेडी यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा, तो सेम सेम दो जगह पे आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम कैंसिल कर रहे हैं दोनों ही पी को, एंड हम कॉमन लेके 1 यहाँ लिख रहे हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, 1 इंटू आर डिवाइड इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। नाउ जब हमें टाइम को डबल करने की बात करनी है, किसको डबल करना है, टाइम को डबल करने की बात करना है, तो टाइम को डबल करने के लिए हम ये फॉर्मूला को यूज करते हैं, दैट इज 100/r। ठीक है, सो दिस इज हमारा फाइनल फॉर्मूला। जब कभी आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि आपको कितना टाइम लगेगा अमाउंट को डबल होने में, आपको सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से कैलकुलेट करके बताना है, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 100/r। जैसे कि मान लो यहाँ क्वेश्चन दिया है, इफ एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 5%, अब ये कितना टाइम लेगा डबल करने में, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना टाइम में डबल होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, टाइम हमको यहाँ पे चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम इट टेक, कितना टाइम लेगा, टाइम फाइंड आउट करना है। 100 की जगह 100 लिखेंगे, रेट दिया है 5%, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। इसको कैंसिल आउट किया, 20 ईयर्स आया, तो 20 साल हमारा लगेगा अमाउंट को डबल होने में। ये हमने कौन से मेथड से सॉल्व किया, सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से। अब जब CI का फॉर्मूला चेक करने को बोलेगा, तो CI का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का नॉर्मल फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट 1/r/100, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करते हैं हम लोग, एंड दिस इज टी और यहाँ पे माइनस पी, ये एक फॉर्मूला है। अब यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है, हम इसको क्या ये कॉमन निकाल सकते हैं, तो पी को बाहर लिखा, बिग ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट, दिस इज 1/r/100, ब्रैकेट को यहाँ क्लोज किए टी, एंड पी को हमने कॉमन लिया था, तो -1 लिख करके यहाँ बिग ब्रैकेट दिया। तो ये हमारा CI का फॉर्मूला हुआ। अब CI में भी हम डबलिंग का देखेंगे। CI में जब डबलिंग का क्वेश्चन आता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम यहाँ पे इसको ऐसे, और जैसे कि यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करने का आपको फॉर्मूला दिया गया है, ए इक्वल्स टू पी, पी मतलब प्रिंसिपल, आ 1 का 1, आर इक्वल्स टू एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 100, एंड टी मतलब टाइम इंटू ईयर्स, और ए इज द अमाउंट आफ्टर टी। ठीक है, तो ये तो आपका फॉर्मूला हुआ। अब डबलिंग का, दिस इज द फॉर्मूला। जब डबलिंग की बात करें और बोला जाए CI के मेथड से आपको डबलिंग चेकआउट करना है, तो दिस 72/r, ये 72 चेंज नहीं होगा, ये हमेशा 72 ही रहेगा। जैसे कि मान लो आपका इंटरेस्ट रेट 72% दिया गया है, आपको देखना है डबल इन्वेस्टमेंट कब होगा, तो हम कैसे फॉर्मूला पुट करेंगे, टी हमें फाइंड आउट करना है, एंड 72 की जगह 72, रेट हमें 10 दिया है, तो रेट का 10 लिखा, एंड इसको सॉल्व करेंगे, तो 7.2 ईयर्स आएगा। तो हमारा कितना टाइम में होगा आपका डबल, 7.2 ईयर्स में डबल आएगा। तो समरी देखो, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को जब हम डबल करने की बात करें सिंपल इंटरेस्ट मेथड से, तो दिस इज 100/r, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 72/r, एंड 72 का हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स होगा, फिक्स ही होगा। तो हमारा समरी मतलब क्या याद रखना है, जब भी डबलिंग का क्वेश्चन आए और डबलिंग
करने को आपको बात करें, और जब भी आपसे बोला जाए सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से, सो दैट इज विल बी 100 बाई आर, 100 बाई आर, जिसको हम कैसे लिखेंगे, टी इक्वल्स टू 100 बाई आर, ठीक है, 100 बाई आर%, ठीक है। ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या लिखेंगे, दिस इज 72 बाई आर%, मतलब आपका टाइम फाइंड आउट करने का 72 बाई आर%, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसके हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो कर सकते हो। कहीं डाउट हो तो आप कॉमेंट कर सकते हो डेफिनेटली, एंड लाइक कर देना चैनल को, सब्सक्राइब, आई मीन लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।